हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्यूरोपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, अमेरिका को सपनों का देश कहा जाता है और भारत संग दूसरे कई देशों से लोग अमेरिका जाकर बसने का सपना देखते हैं, खासकर युवाएं, क्योंकि वो एक पावरफुल देश होने के साथ साथ काफी विकसित देश भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दिनों अमेरिका के लोग अपने देश को छोड़ यूरोप का रुख कर रहे हैं। हाल ही में जारी की गई कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्यादातर अमेरिकन लोग अमेरिका को छोड़ यूरोपियन देशों में पलायन कर चुके हैं। सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों, इसके पीछे क्या वजह है। आज हम आपको इस बात की पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आखिर क्यों अमेरिका से लोग यूरोप की तरफ पलायन कर रहे हैं। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं अमेरिका के एक सफर पर। गन कल्चर। दोस्तों, अमेरिकन लोगों का यूरोप की तरफ पलायन करने के पीछे कई कारण है, जिनमें से पहला और सबसे मुख्य कारण है गन कल्चर। जी हाँ, एक सर्वे में ये बात साफ किया गया है कि अमेरिकी लोगों के यूरोप जाने का सबसे बड़ा कारण गन कल्चर है। दरअसल अमेरिका में लोग अपनी सुरक्षा को लेकर काफी पॉजिटिव होते हैं, होना भी चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन यहाँ गलत ये हुआ है कि सरकार ने लगभग देश के हर नागरिक को अपनी सुरक्षा के लिए गन रखने की इजाजत दे दी, जिस वजह से यहाँ लगभग हर घर में एक गन तो देखने को मिल ही जाती है। ये साल 1791 की बात है, जब सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ US कॉन्स्टिट्यूशन में सरकार ने ये साफ कर दिया कि लोग अपनी सुरक्षा के लिए गन अपने पास रख सकते हैं। और उसके बाद से गन रखने की ऐसी होड़ मची कि यहाँ गन खरीदना सब्जी खरीदने की जितना आसान हो गया। ऊपर से अमेरिका एक शक्तिशाली देश है जो हथियार बनाता है और उन्हें बड़ी संख्या में एक्सपोर्ट भी करता है। इस वजह से भी लोगों को आसानी से बंदूकें मिलने लगी। अब इन गन्स की वजह से घाटा ये हुआ है कि लोग छोटी छोटी बातों पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। इसी वजह से अमेरिका में फायरिंग के किस्से इतने आम हो गए हैं जैसे अपने यहाँ पॉकेट मारी। कुछ रिपोर्ट्स बताती है कि इसी गन कल्चर की वजह से अमेरिका में पिछले 50 सालों में 15 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 2020 की बात करें तो इसी साल लगभग 45,000 लोगों ने अपनी जान बंदूकों के चलते गवाई, जिनमें से कई हजार केस तो सुसाइड के थे। यही वजह है कि अमेरिकन्स को अपना देश अब सुरक्षित नहीं लग रहा है और वो यूरोप की तरफ पलायन कर रहे हैं, क्योंकि यूरोप में ऐसा कोई कल्चर नहीं है। बात करें अगर यूरोप की, तो पूरे यूरोप में गन कल्चर के चलते होने वाली मौतों की दर सिर्फ 8% है, जिस वजह से अमेरिकन्स को यूरोप अपने लिए सेफ लग रहा है। नेक्स्ट इज एक्सपेंसिव मेडिकल फैसिलिटी। अमेरिका छोड़ यूरोप जाने का जो दूसरा कारण है वो है यहाँ का महंगा इलाज। ये तो हम जानते हैं कि अमेरिका कितना महंगा देश है। यहाँ रहना और यहाँ के खर्चे उठाना हर किसी की बस की बात नहीं, लेकिन यहाँ के खर्चों में जो सबसे महंगा है वो है हेल्थ सिस्टम। कई बार आपने सुना होगा कि किसी रेयर बीमारी का इलाज जब अपने देशों में नहीं होता, तब डॉक्टर्स अमेरिका जाने की सलाह देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका की स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की है, लेकिन अमेरिका के अस्पतालों में इलाज करवाना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि अस्पतालों में इलाज इतना महंगा होता है कि कोई भी आम आदमी ये इलाज करवाते करवाते दिवालिया हो जाए। अमेरिका में इलाज करवाने का उन पर ज्यादा असर ना पड़े, इसके लिए लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेना ज्यादा पसंद करते हैं। हालांकि हेल्थ इंश्योरेंस के बाद भी अमेरिका के 60% लोगों के लिए इलाज के लिए लिया गया कर्ज उनके बैंक्रप्ट होने का सबसे बड़ा कारण बनता है। अब अगर बात यूरोप की करें तो यूरोप के अस्पतालों में इलाज करवाना बेहद आसान है। यहाँ लोगों को आसानी से सरकार द्वारा दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती है और उन्हें इधर उधर ना भटकते हुए अच्छे से अच्छे अस्पतालों में बेहतर से बेहतर इलाज मिलता है। तो इसीलिए भी अमेरिकन लोग यूरोप में पलायन कर रहे हैं। डॉलर का मजबूत होना। दोस्तों देखिए, डॉलर का मजबूत होना मतलब ऐसा समझा जाता है जैसे अमेरिका में रहना अच्छा है, और यूरो का कमजोर होना ऐसा समझा जाता है जैसे यूरोप में रहना नुकसान का काम है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में यूरो को कमजोर हो जाने का मतलब है कि यूरो अब डॉलर के मुकाबले पर आ गई है, यानी जो चीज पहले एक डॉलर की आती थी अब आप उसे लगभग एक यूरो पे भी आसानी से खरीद सकते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। अब यूरो के कमजोर होने से अमेरिकन्स को जो फायदा हो रहा है वो कुछ इस तरह है कि वो डॉलर को यूरोप में काम में ले सकते हैं। इससे उन्हें चीजें सस्ते और अच्छे दाम में भी मिलेगी और वो ज्यादा सेविंग कर पाएंगे। हुआ ना ये फायदा ही फायदा। नेक्स्ट इज अमेरिका में बढ़ती महंगाई। अमेरिकन्स के अमेरिका छोड़ यूरोप जाने का चौथा कारण है वो अमेरिका में लगातार बढ़ती रही महंगाई है। अमेरिका में महंगाई का आलम यह है कि आपको थोड़े से खाने के लिए कई डॉलर्स खर्च करने पड़ेंगे।
खाना तो छोड़िए, अगर आपको अमेरिका में रहना है और घर का रेंट भरना है तो समझ लीजिए कि आपका दिवाला घर के किराए में ही निकल जाएगा। और अगर आप गलती से सोच ले कि छोड़ो अपना खुद का घर बनवाते हैं, फिर तो आपकी खैर नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका में घर बनवाना मतलब अरबों की बात है। भारतीय रुपयों के हिसाब से देखा जाए तो भारत में एक आम घर लाखों में बन जाता है, लेकिन ऐसा ही एक साधारण सा घर अगर आप अमेरिका में बनाते हैं तो बात लाखों तक नहीं बल्कि करोड़ों तक पहुंच जाएगी। जी हाँ, यहाँ एक साधारण से घर की कीमत भी करोड़ों में होती है। ऊपर से फर्नीचर, खाने पीने का सामान और दूसरे शौक इंसान की जान निकाल देते हैं। अब बात करते हैं यूरोपियन कंट्रीज की, तो यूरोप में महंगाई इंसान के इस कदर जान नहीं निकालती। अमेरिका मुकाबले तो यूरोप बेहद सस्ता है। हमारे लिए तो नहीं सस्ते, लेकिन हाँ अमेरिकन के लिए यूरोप बेहद सस्ता है, क्योंकि वो जिस दाम पर अमेरिका में कंजूसी से अपनी जिंदगी जी रहे थे उसी दाम पर यूरोप में खुलकर जिंदगी जीने का उन्हें मौका मिलता है। नेक्स्ट इज अनियंत्रित अपराध। अब ये तो बहुत आम सी बात हो गई है कि लोग उस देश में तो बिल्कुल ही नहीं रहना चाहेंगे जहाँ दंगे फसाद होते रहते हैं। और अमेरिका की बात करें तो यहाँ क्राइम दुगनी रफ्तार से बढ़ रहा है। हालांकि अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ क्राइम पिछड़े देशों की तुलना में काफी तेजी से बढ़ रहा है। हाल ही में जारी कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से देखें तो आज अमेरिका में किसी मॉल में डकैती करना, किसी दुकान में चोरी करना या किसी के मकान में घुसकर सामान चुराने से लेकर उसे धमकी देना तक बेहद आम सी बातें हो गई हैं। हाल ही के कुछ सालों में इस देश में हत्या के आंकड़ों में भी तेजी से वृद्धि हुई है। लोग गन्स के बदौलत बात बात पर गोलीबारी करते हैं, तो कभी गोरे काले को लेकर विवाद, तो कभी दूसरे मुद्दों पर लोग अक्सर आमने सामने आ जाते हैं और क्राइम कर बैठते हैं, जिस वजह से यहाँ लोग दहशत में जिंदगी जीने को मजबूर हो रहे हैं। और ये एक बड़ा कारण है अमेरिकन के अपने देश को छोड़ने का। जो क्राइम रेट अमेरिका में 70-80% तक हो चुका है, वही क्राइम रेट यूरोप में महज 6% है। इसीलिए अमेरिकन को अपने देश से ज्यादा सेफ यूरोप लग रहा है और वो यूरोप की तरफ पलायन कर रहे हैं। अमेरिकी लोगों का अमेरिका छोड़ने के पीछे जो एक और खास वजह है वो है यूरोप की वेलफेयर स्कीम्स। क्योंकि अमेरिका एक महंगा देश है तो इस देश में यूथ के लिए पढ़ाई करना भी बेहद महंगा है। स्कूल से लेकर कॉलेजों में मोटी फीस भरने के बाद युवाओं को शिक्षा मिलती है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन वो बहुत महंगा है। यही वजह है कि कई अमेरिकी बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। जिस तरह से इंडिया में कम आमदनी पर खर्चा ज्यादा के चलते कई बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं, वैसा ही अमेरिका में भी होता है। जबकि अमेरिका की तुलना में यूरोपियन कंट्रीज में एजुकेशन सिस्टम अच्छा होने के साथ साथ बहुत सस्ता भी है, इसीलिए लोग वहाँ पढ़ाई कर वही अपनी लाइफ सेटल करने का सोचते हैं। और आज के टाइम में ज्यादातर अमेरिकी युवा ऐसा ही कर रहे हैं। यूरोप में पढ़ाई करना इसलिए भी बेहद आसान है क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज की यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने के लिए उन्हें स्कॉलरशिप्स देती हैं। दूसरी ओर अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है। ये सबसे बड़ी वजह है जो अमेरिका के युवाओं को यूरोप की तरफ अट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट इज रिमोट वर्क कल्चर। दोस्तों, यहाँ कई लोगों के दिमाग में एक बात ये भी आ रही होगी कि अमेरिका की कंपनीज के मुकाबले यूरोप की कंपनीज में पैसा तो कम मिलता है, फिर अच्छी लाइफस्टाइल कैसे? चलिए आपके कंफ्यूजन को दूर करते हैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि अमेरिका की कंपनीज ज्यादा एडवांस है और इन कंपनीज में पैसे भी ज्यादा मिलते हैं, जबकि यूरोप की कंपनीज में उतना अच्छा पैकेज नहीं मिल पाता। तो ऐसे में अमेरिकन की हेल्प कर रहा है रिमोट वर्क कल्चर, जिसकी बदौलत वो यूरोप में आसानी से सेटल हो पा रहे हैं और वो भी बिना अपनी जॉब गवाए। आप सब तो जानते ही हैं कि कोरोना आने के बाद सभी का घर से निकलना बंद हो गया था, लेकिन कंपनीज को तो काम की जरूरत थी। ऐसे में बड़ी छोटी सब कंपनीज ने वर्क फ्रॉम होम कर दिया, लेकिन कोरोना खत्म होने के बाद भी कई कंपनीज ने इस कल्चर को काम में लिया हुआ है, क्योंकि कई कर्मचारी दूर देशों से होते हैं। ऐसे में कंपनीज वर्क फ्रॉम होम ही करवाती है और ज्यादातर अमेरिकन इसी का फायदा उठा रहे हैं। वो रिमोट वर्क सिस्टम को काम में लेते हुए यूरोप में बैठे बैठे अमेरिकन कंपनीज के लिए काम करते हैं। इससे उन्हें अच्छी सैलरी तो खासी मिलती ही है, साथ ही उस अच्छी खासी सैलरी को वो यूरोपियन कंट्रीज में बेहद सस्ते में खर्च कर अपनी सेविंग्स में बढ़ोतरी करते हैं। इससे कंपनीज का भी फायदा है और अमेरिकी लोगों का भी। तो दोस्तों, ये थे वो कारण जो आम तौर पर नजर आते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे कारण जो छोटे हैं लेकिन मजबूत हैं। आपको बता दें कि यूरोप के देशों में किसी कंपनी में जहां सैलरी के तौर पर $27,000 से लेकर $45,000 तक मिलते हैं, तो वहीं यूरोप में $70,000 तक पहुंच जाते हैं। यानी जो अमेरिकन यूरोप में रहते हैं उन्हें मिलता है दुगना मुनाफा। चलिए अब आपको परसेंटेज के हिसाब से बताते हैं कि कितने अमेरिकन किन वजहों से अपना देश छोड़ यूरोप की तरफ जा रहे हैं। हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से देखें तो लगभग 16% अमेरिकन ने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए यूरोप में पलायन किया। यानी 16% लोग अमेरिका में ऐसे थे जो यूरोप की लाइफस्टाइल को बेहतर मानते हैं और अपनी लाइफस्टाइल भी यूरोप में बेहतर बनाने के लिए जा रहे हैं। 9.9%
परसेंट उन अमेरिकन्स का है जो एक नए जॉब या जॉब ट्रांसफर के लिए यूरोप में पहुंचे, वहीं 5.1% उन लोगों का है जो अपना मैरिटल स्टेटस बदलने के लिए यूरोप पहुंचे। यानी पहले ये अमेरिकन हुआ करते थे लेकिन जब किसी यूरोपियन से शादी हुई तो वहां चले गए। जबकि इस लिस्ट में 8.3% ऐसे अमेरिकन्स हैं जो यूरोप में सिर्फ इसलिए गए क्योंकि वो अमेरिका के मुकाबले उन्हें सस्ता लगा। यानी महंगाई से परेशान होकर अमेरिका छोड़ने वालों का परसेंटेज है 8.3%। अब 3% संख्या है ऐसे लोगों की जो कॉलेज में पढ़ने के लिए यूरोप गए, यानी एजुकेशन पर्पस के कारण। तो दोस्तों, ये थे वो आंकड़े उन अमेरिकन्स के जो अपना अलग अलग मकसद लेकर यूरोप पहुंचे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। आप अमेरिका और यूरोप में से किसको चुनेंगे ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।